पहला, पिछली कक्षा में पढ़े गए व शिविर में सिखाए गए विषय। दो, व्यवहारिक पक्ष। तीन, विविध कुशलताएं। शिविर का परिणाम 5 जनवरी को घोषित किया जाएगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7409223333, 7302745112, 8954890269, 7302895128, ईमेल mail@patanjaligurukulam.org, वेबसाइट www.patanjaligurukulam.org। आपको करना है अब योगाभ्यास में कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे पैरों को तलवों से मिला लिया, एक घंटे का योगाभ्यास, कम से कम आधा घंटे का योगाभ्यास, ये हमें प्रतिदिन करना ही चाहिए। इसके बिना हमारा आरोग्य अच्छा रह ही नहीं सकता। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और इसके आगे स्वास्थ्य के तो सैकड़ों आयाम हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, वैयक्तिक स्वास्थ्य के साथ साथ पारिवारिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, ये शब्द बोला जाता है भाषा में भी। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, सोशल हेल्थ, पॉलिटिकल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ, माने स्वयं से शुरू होती यात्रा। तो थोड़ा ये बटरफ्लाई कर ली, फिर दोनों हाथों को ऐसे रख करके यूं गोल घुमा लिया। ऐसे कई प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम हैं, उसमें से हम अपने लिए जो अधिक उपयुक्त समझते हैं उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। किसी किसी को कंधों में ज्यादा दर्द होता है तो ये अभ्यास ऐसे, इसके साथ साथ ये वाला अभ्यास भी कर लिया, ऐसे ये वाला अभ्यास कर लिया तो इससे कंधे गर्दन अच्छी हो जाती है। ऐसे ही इस प्रकार से पीछे से, दाएं बाएं से, आगे से, पैरों को भी थोड़ा ऐसे हिला लिया। आप लोग ज्यादातर यात्रा में रहते हैं, लगभग पूरे खोल ले ऐसे, ये 2 से 3 मिनट खाली यही अभ्यास कर लिया तेजी से। व्यायाम में पहले लोग दंड बैठक कसरत ऐसे बोलते थे, आम लोगों की जुबान पर होता था। मैं सुबह सुबह उठ करके थोड़ा दंड बैठक कसरत कर लो, दौड़ लो जहां दौड़ने का अवसर मिले, लेकिन सब जगह सुलभ नहीं होता है। फिर दंड बैठक ही होती है, जैसे एक तो ये ऐसे कर लिया तो इससे घुटने अच्छे रहते हैं, तो 10-20 बार ऐसे कर लिया। किसी को ज्यादा स्फूर्ति से करना है तो ऐसे कर लिया, थोड़ा आगे यूं करके, जैसे भी आपकी मर्जी है। ऐसे पहले दिन आप 10 से ज्यादा मत करना है? तो ऐसे मींस सामने हाथ गए, वापस आ गए। इससे एक तो आपका शरीर सुंदर सुडोल आकर्षक बनेगा, आपके घुटने अच्छे रहेंगे, 100 साल तक इन पैरों से काम लेना है। तो ऐसे 25 से 50 बार आपको रोज कर लेना है। जिनको ज्यादा ही सुंदर बनाने हो तो फिर 25-50 बार ऐसे कर लेना थोड़ा, तो इससे
और सुंदर रूप में उभर करके आ जाते हैं। चलो बैठो, ये तो बैठना मतलब ऐसे ऐसे बैठो, अभी आराम नहीं करना है। आपको क्या बताया, अभी बैठक, अब दंड। आपको 50 से 100 दंड लगाने हैं, ठीक है? आज 25 से शुरू करना। कैसे? एक तो ये है, देखो मैं आपके सामने 100 लगाता हूँ एक मिनट के अंदर। हाँ, तो वक्त है कम लंबी ही मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। थोड़ा वक्त है ना, एक भजन भी सुनाते हैं। एक मिनट में मैं 100 बार करूंगा, आपको 25 बार करना है, ठीक? तो 25 बार हो गया, किसी किसी ने तो अभी स्टार्ट ही किया। तुम स्वामी रामदेव के शिष्य हो। नीचे जा नहीं रही, ऊपर पड़े ऐसे ऐसे कर रहे, नीचे पूरे तरह ऐसे कुछ ऊपर ऊपर से ऐसे कर रहे। ये तो एक तरह का हुआ, फिर ऐसे करो चाहे जैसे तुम्हारे को अच्छा लगता हो, फिर एक ऐसे। पांच नहीं, पंचर हो गए। चलो खड़े हो जाओ। ये तो थोड़ा सा व्यायाम बताया, सूर्य नमस्कार के बारे अभ्यास। खड़े खड़े चलो सीखो, सारी दुनिया को मैंने सिखाया। वक्त है कम, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अरे वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को, चढ़ना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। दूसरा पैर आगे, पहले एक बार दाया हो, तो बाया हाथों का, पैरों का, पेट का, बार करता और 5 मिनट में 50 बार करता, 5 करता हूं आपको तो धीरे बताया मैंने, ऐसे करता। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं, का पहले से जान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में अमृतान नया बुनना होगा।
पूरे बॉडी की एक्सरसाइज साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना दस बार कर लेना सिंपल है ना खड़े होकर किया वश में ना हो जान तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा तुम्हें सतत साधना के ये तो थोड़ा सा व्यायाम हुआ थोड़े आसन करा दिए खड़े होकर के फिर बैठ के दो आसन कर लो एक आगे झुकने वाला एक पीछे झुकने वाला लेट करके भी स्पाइनल कॉर्ड का ठीक रहना बहुत जरूरी है उल्टे लेट के फिर सीधे लेट के आगे झुकने वाला मुंडूकासन पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन फिर भुजंगासन मरकटासन उत्तानपादासन थोड़े से आसन कर लेना करो जाए आगे झुके ये ब्रेक के लिए ड्रैग्स के लिए बहुत फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग उससे पूरी बॉडी स्ट्रेट आगे पीछे की जो शरीर की मांसपेशियां हड्डियां हैं ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट कर उनको एक्सरसाइज उनको अंदर गति आती है और जहां गति होती है वहां प्रगति होती है और जहां गति नहीं होती वहां दुर्गति है ही अपनी घर परिवार की देश की दुर्गति कर ही रखी हम यदि हम योग नहीं करेंगे तो आगे झुकना फिर पीछे झुकना चलो आनंद की अनमोल घड़ी कोड़ी के भाव न बिक जाए चलते सांसें जाए चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए वो सकल तपस्या उसके सफल होने पर ना होगा वो सकल तपस्या उसके गुरु पल को परम तपस्या के पति को परम
कदम लंबी मंजिल तेज कदम चलना प्रयास होता है ऐसे देखो वक्त है कदम लंबी तुम्हें तेज कदम चलना होगा मेरे परम तपस्या के पति को ये परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ करना होगा वक्त है कदम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा अरे वक्त है कदम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा तुम्हें तेज कदम चलना होगा तुम्हें तेज कदम चलना होगा हाँ तेज कदम चलना होगा तुम्हें तेज किया ना आपने सफर मेरे साथ साथ मैंने देखा नहीं आपको कुछ को दंड लगाने में ऐसे जब दंड लगवा रहा था तब ऐसे ही पड़ गए थे बोल पापा जी हो गया हमारा भी ऐसे नहीं ऐसे दस बीस बार ऐसे दस बीस बार ऐसे किया तो भुजाएं भी मजबूत हो जाएं पेट पीठ भी अच्छा हो जाएगा आगे से उठाया ऐसे पीछे से उठा लिया और जो थोड़े काबू में है कुछ तो बेकाबू रखे हैं ना जिनका शरीर काबू में है वो ऐसे भी कर सकते हैं दोनों तरफ से उठा लिया कोशिश तो कर रहे हैं पकड़ने की शर्मा जी की भी पकड़ में तो आए गए पंडित लोग हैं ना थोड़ा माल खाते रहते हैं तो वैसे आजकल बंद कर रखा है कि भाई स्वामी जी जैसे पतले रहना है हमारे गुरु मोटे हो नहीं है तो हम चेलों को मोटापा शोभा नहीं देता चलो सीधे लेटो सीधे लेट के कमर के लिए घुटने पंजे पास में दाहिनी तरफ पैर बाईं तरफ गर्दन ऐसे ये कमर के लिए बहुत अच्छा इसका नाम है मरकटासन क्या नाम है बैठ करके कर रहे थे उसका क्या नाम था मंडूकासन क्या नाम था पीछे झुक रहे थे उसका क्या नाम था उष्ट्रासन ऊंट की तरह पीछे झुक रहे थे फिर सामने से उठ रहे थे उसका क्या नाम था भुजंगासन सांप की तरह पीछे से उठा रहे थे सर्वासन अभी सीधे लेट के कर रहे हैं ये मरकटासन आसन का नाम भी ना पता हो तो ध्यान में तो है ही ना दोनों पैरों में फासला कुछ खड़े होके कुछ बैठ के कुछ उल्टे लेट के कुछ सीधे लेट के एक एक दो दो तो याद रहेगा ज्यादा बता ही नहीं रहा इतना तो याद रहेगा जब तुम्हें सेल्स की भाषा काफी समझ में आती है उसमें भी 100-200 शब्द तो याद करने ही पड़ते हैं ना प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या है रिटेलिंग क्या है ये टर्सरी क्या है परसरी क्या है पैर सीधे दाएं पैर बाएं और फिर इसके अंदर आरओवाई क्या है ये सब समझाते हो ना लोगों को फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझाते हो सप्लाई चेन समझाते हो दाएं से बाएं से दोनों तरफ से ऐसे कर लो इससे ना पूरी कमर अच्छी हो जाती है देखो ऐसे पैर उठाते अपोजिट साइड में ले जाते गर्दन ऐसे अपोजिट साइड में इस तरह से ये हो गया मरकटासन क्या नाम हुआ बोलो इसका फिर दोनों पैरों को मोड़ लो और पैर मोड़ करके सिर उठा के नाक लगा लो सबको पता है इसका नाम पवन मुक्तासन है बहुतों को गैस बनती है ना तो करते करते ही छूट जाएगी कुछ ऊपर से निकलेगी कुछ नीचे से निकलेगी कुछ तो हंस हंस के छोड़ रहे पता ही नहीं लगे आवाज ऊपर से आ रही है कि नीचे से तो ये हुआ पवन मुक्तासन फिर पेट बहुत गड़बड़ रहता है उसके लिए पवन मुक्तासन के साथ साथ दोनों पैर उठा करके और आधा से एक मिनट रोक के रखेंगे सभी श्वास अंदर भरिए कमर में ज्यादा दर्द है तो एक एक पैर को उठाना बाकी दोनों पैरों को उठाइए जिनका भी पेट गड़बड़ रहता है पेट में तो समस्या काफी लोगों को रहती है किसी को गैस किसी को एसिडिटी किसी को कोलाइटिस कोलाइटिस कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन बहुत तरह की प्रॉब्लम है पेट की एसिडिटी बदहजमी ये रहती है
पैर सीधे, घुटने सीधे, किसी ने तो उठाए और अभी नीचे भी लेके आ गए। ऐसे मत उठाओ, 30 डिग्री पर उठाओ, किसी ने तो 90 डिग्री पर उठा रखे हैं। 30 डिग्री पर उठाओ, 30 डिग्री पर, 1 फीट जमीन से, 1 फीट, 1 फीट ऊंचा उठाइए, किसी ने तो 3 फीट ऊंचा उठा दिया। घुटने सीधे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, कितनी देर उठाना है, 1 फीट। मैंने अभी रोका हुआ है, अभी आपको देख रहा हूं मैं कि कितने ने उठा रखा है, कितने चीटिंग कर रहे हैं। रिलैक्स, 1 मिनट तक ऐसे करना, फिर थोड़ा सा आसन। 1 मिनट करने से ना पेट एकदम अच्छा हो जाता है। फिर ऐसे आधा एक मिनट थोड़ा विश्राम कर लिया, आधा एक मिनट थोड़ा विश्राम कर लिया, शवासनों के अंत में शवासन। तो थोड़ा सा व्यायाम, थोड़े से आसन आपको बता दिए, थोड़े से आसन, थोड़े से व्यायाम, फिर प्राणायाम ध्यान, थोड़ा सा आसन, 1 से 2 मिनट ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं। स्वयं को रिलैक्स करने का ये तरीका है। बहुत संघर्ष है जिंदगी में, there are so many challenges, crises and problems in our life. The solution is only yoga, meditation, self-realization. श्वासों के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं, और इन प्राणों के भी जो आधार परमेश्वर है, हे प्रभु प्राण आधार, आप सब ज्ञान के, सब संवेदनाओं के, सब सामर्थ्य के, सब सुख के, सब संबंधों के, जीव जगत के, जड़ चेतन के, पिंड ब्रह्मांड के आधार प्रभु आप, तुम ही परम आधार हो, सर्वाधार हो, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक हो प्रभु, मैं आपकी शरणागति में हूं। ऐसे बार बार अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करना, दिन भर में 10-20 बार ऐसा ध्यान जाना चाहिए, हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, मैं आपको भूलू नहीं, आपकी शरण में रहूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः यदङ्गदाससे, तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरः। ऐसे श्वासों के साथ अंतर्मुखी होना, माथे पर, आंखों पर, चेहरे पर, फेफड़ों में, हृदय में, पेट, पीठ में, हाथों में, पैरों में, कहीं पर कोई तनाव नहीं, दृष्टा भाव, साक्षी भाव इसको बोलते हैं। ऐसे श्वासों के साथ अंतर्मुखी हो जाना, और मैं शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण से युक्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, और मुझ में जो भी ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य, उसका आधार परमात्मा है, वो मेरे ही अंतर हृदय में है, मेरे आत्मा में वो परमात्मा विराजमान है, और मेरे साथ साथ वो सृष्टि के कण कण में भी विद्यमान है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रख लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर, बैठ जाए, फिर सीधे बैठ जाना, सिद्धासन, ऐसे बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर, ये सिद्धासन, बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर। तो ऐसे भी बैठने में असुविधा हो तो ऐसे बैठ जाना, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो तो दाएं पैर ऐसे बाएं पर, बाएं दाएं पर, ऐसे बैठ जाना। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिसमें तुम आराम से बैठ सकते हो उसमें बैठ जाना। अब 5 प्राणायाम कम से कम रोज करने हैं, कितने, 5, दोनों हाथ जोड़ करके, और कसम खाओ आज प्रतिदिन कम से कम 5 प्राणायाम, 5-10 मिनट के लिए व्यायाम, योगाभ्यास अवश्य करेंगे। ये संकल्प होने चाहिए हमारा, इसमें क्या दिक्कत है, सीधे बैठो। अब देखो, ये खाली कोई प्रोफेशन की बात नहीं है, ये कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी धर्म मजहब की बात नहीं है, ये जीवन की बात है भाई, अपना फायदा इसमें। पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के संरक्षण एवं श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के निर्देशन में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म एवं होलिस्टिक ट्रीटमेंट का विश्व के सबसे बड़े संस्थान योग ग्राम में ओबेसिटी,
डायबिटीज, हाई बीपी, डिप्रेशन, पेट के पुराने रोग, एनीमिया, अर्थराइटिस, थायराइड, त्वचा रोग, बांझपन इत्यादि असाध्य रोगों की विश्व स्तरीय प्राकृतिक चिकित्सा की बुकिंग 7 दिनों के भीतर उपलब्ध है। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 8954890120, 7456900734, 7456900735। To transcend Australia into Yog, Swami Ramdev Ji is once again visiting Melbourne. Good day Australia, I am Swami Ramdev and I am coming to Australia for Yog Convention. Yog is a complete science. Yog is a way of self-healing to self-realization. And Yog is a complete solution of all problems. I am inviting for Yog training. Melbourne Vedic Center proudly presents Swami Ramdev live in Melbourne Yoga Convention 2019. Saturday, November 30th to Sunday, December 4th. Venue, Westgate Indoor Sports, CNR, Green Parade, Doherty Road, Alton, North Victoria, Australia. मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए और मेरे साथ योग के गूढ़ रहस्यों को सीखिए। योग की प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और एडवांस एजुकेशन हम आपको देंगे मेलबर्न में। For sponsorship opportunities, contact 0404-645-181, 0425-795-966, 0438-650-153, website www.victoriaaryasamaj.com. This event is proudly supported by Gujarat Samaj, Haryana Kumbh, Vishwa Hindu Parishad, HOTA, Sahara Inc., Arya Pratinidhi Sabha of Australia together with Arya Samaj in Fiji, New Zealand, Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney and Tasmania. Param Pujji Yog Rishi Swami Ramdev Ji Maharaj evam Ayurved Shiromani Shraddhe Acharya Balkrishnan Ji ke margdarshan mein Vedic Sanskriti ko punah pratisthapit karne hetu Shiksha ke kshetra mein abhinav kranti पतंजलि गुरुकुलम आवासीय शिक्षण संस्थान द्वारा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 1 से 5 प्रवेश हेतु आचार्य कुलम हरिद्वार में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2019 तक 6 दिवसीय विद्यार्थी संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र छात्राएं विद्यार्थी संस्कार शिविर में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश के लिए आवेदन केवल 25 दिसंबर 2019 को पतंजलि योग पीठ फेज 1 स्थित आचार्य कुलम में किया जाएगा। प्रवेश हेतु अर्हताएं, प्रथम कक्षा हेतु न्यूनतम आयु वर्ग 4 से 5 वर्ष, पांचवी कक्षा के लिए अधिकतम आयु वर्ग 11 वर्ष है। शिविर में बालकों के परीक्षा के मुख्यतः 3 आधार रहेंगे। पहला, पिछली कक्षा में पढ़े गए व शिविर में सिखाए गए विषय। 2, व्यवहारिक पक्ष। 3, विविध कुशलताएं। शिविर में प्रतिभाग करने हेतु छात्र छात्रा के 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र व पूर्व कक्षा के अंक प्राप्ति की छाया प्रति तथा माता पिता अपना आधार कार्ड साथ अवश्य लेकर आएं। आधार कार्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में कोई अन्य पहचान पत्र अवश्य लाएं। शिविर की रजिस्ट्रेशन सहयोग राशि 3,000 रूपए है, जो केवल आचार्य कुलम के कैश काउंटर पर ही ली जाएगी। जो अभिभावक शिविर के दौरान यहां ठहरना चाहें, उनके लिए महर्षि वाल्मीकि धर्मशाला में निशुल्क व फेज 2 में सशुल्क व्यवस्था है। प्रतिभाग हेतु 2 जोड़ी सफेद कुर्ता पैजामा व ठंडी के लिए गर्म कपड़े आदि आवश्यक सामान लेकर आएं। दिनांक 1 जनवरी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में पतंजलि योग पीठ फेज 2 के श्रद्धालयम भवन में अभिभावक संवाद शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें माता पिता या अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। शिविर का परिणाम 5 जनवरी को घोषित किया जाएगा। 15 जनवरी तक निर्देशानुसार सहयोग राशि जमा करके प्रवेश हेतु स्थान सुनिश्चित करें। पतंजलि गुरुकुलम में प्रवेश योग्यता व स्थान की उपलब्धता पर आधारित है। विद्यार्थी संस्कार शिविर में चयनित बच्चे ही गुरुकुलम में प्रवेश ले सकेंगे। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7409223333, 7302745112, 8954890269, 7302895128, ईमेल mail@patanjaligurukulam.org, वेबसाइट www.
patanjaligurukulam.org। सामान्य गति, मध्यम गति, मुंह बंद है। जो पूरी तरह से निरोगी है, योगी है, जवान है, ऊर्जावान है, वो ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहो, रोकना नहीं। कोई रुकेगा नहीं, रुको मत, करो। लंबे लंबे श्वास लेना, सौ बार हो गया। कितनी बार हुआ आपने भी किया ना? एक मिनट में 100 बार, मैं करता हूं 200 बार। मेरे से आधा तो करोगे, वैसे आप में से 2-4 को छोड़ करके मुझसे कोई भी बड़े नहीं आई हूं मैं तो। जब मैं 200 बार करता हूं तो तुम आधा तो कर लो मेरे से। 5 मिनट में 1000 बार करता हूं मैं से। 5 मिनट लगातार करता हूं, 1 मिनट में 200 बार, 1 मिनट में पर मिनट 10,000 किलो कैलोरी बर्न हो जाती है। कितनी? 10,000 किलो कैलोरी। दिन भर बहुत ठोकते रहते हो ना भीतर, रसगुल्ला आ गया, गुलाब जामुन आ गया, समोसा आ गया, पकोड़ा आ गया। तुम तो ऐसे ही घुमंतु जात के लोग हो। सेल्समैन क्या है, घुमंतु जात ही तो है। हाँ, थोड़े दिनों में आप भी आरक्षण की मांग करना। तो भाई जिसका जो कर्म वही उसकी जात। तो तुम घुमंतु जमात के महंत हो सब। चलो ये भस्त्रिका, तो ऐसे कहीं पर भी कुछ मत खाया करो। मैं तुमसे भी ज्यादा घूमता हूं, लेकिन अपने झोले में जब सुबह सुबह वक्त नहीं मिलता प्रातः राशादि का, तो एक सेव रख लेता हूं। क्या? एक सेव रख लिया, एक केला रख लिया, खीरा रख लिया, कोई वैसी चीज रख लो, या पतंजलि का आरोग्य बिस्किट रख लो, दूध बिस्किट रख लो। पतंजलि का एक दूध बिस्किट का पैकेट रख लिया, इतने इससे सस्ता नाश्ता कोई नहीं हो सकता। उसमें एक एक पतंजलि के 10 रुपए वाले पैकेट में 1 कप दूध की तो उसमें ताकत है, बाकी उसके अंदर प्रोटीन से लेकर के विटामिन न्यूट्रिशंस काफी आ जाते हैं। तो वो खा लिया, इधर थोड़ा अड़ंगा क्यों खाना। फिर थोड़ा जो है ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो तो फ्रूट ही खाओ सुबह सुबह नाश्ते में। कुछ लोग सुबह सुबह ना पूरा पेट में पराठा, बर्गर, पिज्जा और क्या क्या मिलता है नाश्ते में, ब्रेड, फिर टोस्ट और क्या है, सैंडविच। तुम्हारा ही सैंडविच बन रखा है, फाड़ो ना बीच बीच में से, फिर कई खीरे करेले टमाटर यहीं से निकलते हैं फिर सैंडविच में है? तो अपना सैंडविच मत बना, अच्छी चीजें खाओ। क्यों खाने में बिल्कुल सिंपल लो और जो है फ्रूट्स ले लो। मैंने सुना है भस्त्रिका के बाद कपाल भाती करो। मैंने सुना है आप लोगों का जो खाना होता है भैया, जो है लंच का कितने रुपए का बिल बन जाता है यदि ठीक ठाक सा करें तो? 150-200 रुपए, 150-200 से तो कम नहीं बनता। तो 150 रुपए में तो फल जो है इतने आ जाते हैं तुम खा नहीं सकते, लेकिन गंदगी खाएंगे। 25 साल पुरानी दाल ढाबे की, वो 25 साल पुरानी कैसे? मैंने एक से पूछा, बोले स्वामी जी जब से ढाबा बना है तब से हमारा बर्तन खाली हुआ ही नहीं है। जो शाम को बचता है सुबह डाल देते हैं, जो सुबह बचता है शाम को डाल देते हैं, फिर वो चक्र चल रहा है, तब से अखंड भंडारा चल रहा है हमारे। खा लो थोड़ा बहुत, खाना भी ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्रूट से ज्यादा खाओ, वेजिटेबल से ज्यादा खाओ, सलाद ज्यादा खाओ, ये आराम से मिल जाता है 50-100 रुपए में फ्रूट सलाद, फ्रूट्स और सलाद। आप एक छोटा सा चाकू रख लो, उसे काट लिया, धो लिया, खा लिया, बात खत्म होगी।
फिर ये कपालभाति सुबह सुबह जरूर करना। हेल्दी खाओ, फिटनेस बहुत जरूरी है, करो, ये बहुत जरूरी है ना। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, थायराइड, पैराथायराइड, पूरा इंटरनल, इससे पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है। एक्सहेल करना है ब्रेथ को। यह कपाल भाती, क्या नाम है इसका, तो आधा घंटा ऐसे जरूर करना है। 6 घंटे से ज्यादा सोने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सोचते हैं जी जब तक 7-8 घंटे नहीं सोए थकान नहीं दूर होती है। हमको 4 घंटे से काम चल जाता है, 5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, और बहुत ज्यादा सोना हो तो 6 घंटा हो गया एक्सेप्शन। और एनर्जी पूरी रहती है, हीमोग्लोबिन पूरा है, कोलेस्ट्रोल ठीक है, ट्रिग्लिसराइड ठीक है, बीपी शुगर ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ नहीं है, नींद खूब अच्छे से आती है, भूख अच्छे से लगती है, और कहीं से भी कुछ भी बेकाबू नहीं है, ना पेट, ना छाती, ना हाथ, ना पैर, ना दिल, ना दिमाग, ना विचार, ना भाव, ना कर्म, कुछ भी बेकाबू में नहीं है। अपने ऊपर काबू करो। गांव के आदमी जो अनपढ़ है वो भी कहते हैं भाई आपा क्यों खो रहा है, आपा मत खो, अपने आप पर काबू रखो, आप मने स्वयं, आपा मत खो, आपा मने अपनी निजता, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने प्राणों पर, अपने विचारों पर, अपने भावों पर, अपने कर्मों पर, अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव पर काबू रखो भाई। तो ये अपने आप पर काबू रखने वाली प्रक्रिया है, आपा नहीं खोना, अपने आपे में रहना, अपनी निजता में रहना, ये योग है। तो रोज ये कपाल भाती करना है, पहले करना 2-3-5 मिनट, तो ये पहला, कुछ कहते हैं जी वक्त नहीं मिलता, आधा आधा घंटा तो टॉयलेट में लगा देते हैं, 2-2-3-3 चाय पियेंगे, शायद आप में से बीड़ी सिगरेट तो कोई पीता है नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, नहीं नहीं पीना चाहिए, अच्छा नहीं है। और यदि भाई बीड़ी सिगरेट शराब अच्छी है तो खुद भी पियो, अपनी बीवी को भी पिलाओ, अपने बच्चों को भी पिलाओ, अपने माँ बाप के साथ बैठ के पिया करो। जो तुम अपने माँ बाप के साथ बैठ करके खा पी सकते हो, जो आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए अच्छा मानते हो, वो खुद कर लिया करो। ये कसौटी है कि कोई काम अच्छा है या बुरा है, तो भाई तुम्हें अपने बच्चों के साथ बैठ करके, तो जो समझदार माँ बाप है, वैसे जो बिल्कुल मूर्ख है वो तो बच्चों के सामने पीते रहते हैं सिगरेट, और बच्चों के शरीर में धुआं जाता रहता है, उनके दिल, दिमाग, फेफड़े, हृदय उनका प्रदूषित होता रहता है, कितना चिल्ला चिल्ली करते हैं, धुआं बढ़ रहा है, इसके लिए अंग्रेजी में फोग बोलते हैं, चारों तरफ फोग हो रहा है, हाँ, चारों तरफ धुआं धंकार हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके लिए पैरामीटर बना रहे हैं कि ये लेवल इतना हो गया, ये लेवल इतना हो गया, और भीतर धुआं धंकार कर रखा है, 10-10-20-20 सिगरेट पी जाते हैं, पूरा काला हो जाता अंदर से, हाँ। जब उसको ना बीच में टीवी पर एड भी चलता था, उसको फेफड़े को जब उनको मर जाते हैं ना, जब ये सिगरेट पीने वाले सिगरेटबाज, तब इनके फेफड़ों को निचोड़ो तो उसमें से ऐसा निकलता है जैसे किसी केमिकल की फैक्ट्री से बहुत गंदा पानी निकल रहा हो, जो किसी जो है भट्ठे से, जो ईंट बनाने वाला भट्ठा होता है उसमें जो है पराली डाल के, या जो ये थोड़ा कच्चे वाला जब होता है ना ये ईंधन, तो उसमें से भयंकर काला धुआं निकलता है, इतना सड़ जाता है अंदर से, फिर उसमें क्या होगा भाई, नहीं बसरी कहा इससे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, ये फिर ये श्वास को बाहर छोड़ना, ये दूसरा करो, थोड़ी देर करो, रोज करना। एक नियम ले लो कि मुझे आधा से 1 घंटा सुबह सुबह योग करना है, तो दिन भर थकान नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, दिल ठीक रहेगा, विचार ठीक रहेंगे, आहार, व्यवहार, विचार, संस्कार, वाणी, सब, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, सब कुछ ठीक रहेगा, चरित्र पवित्र रहेगा। सुबह सुबह ऐसे जरूर करना है सबको, नहीं तो देखो शरीर बेकाबू हुआ, आपको कष्ट होगा। होगा क्या, जो थोड़े थोड़े मोटे मोटे हो गए हैं उनको परेशानी तो होती है,
और समझे आप इतना काम करने की एनर्जी कहाँ से लाते हो? योग कर लो भाई, ये एनर्जी का मूल सोर्स है। योग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, योग इज द सोर्स ऑफ सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ कॉम्पिटिशन, सेल्फ डिसिप्लिन। अपने अंदर सब कुछ है, आरोग्य भी अपने भीतर है। एक शाश्वत शब्द बोला जाता है अंग्रेजी में, उसको इटर्नल बोलते हैं, इटर्नल हेल्थ, इटर्नल पीस, जॉय, हैप्पीनेस, शाश्वत शांति। हमने अपने सुखों को गिरवी रख रखा है दूसरों के ऊपर। दूसरे मुझे सुख देंगे, खाने से सुख मिलेगा, पीने से सुख मिलेगा, बीड़ी सिगरेट से सुख मिलेगा, बीबी से सुख मिलेगा, हस्बैंड से सुख मिलेगा, घर परिवार से सुख मिलेगा, संसार से सुख मिलेगा, बेटा बेटियों से, औलादों से सुख मिलेगा, सबसे सुख मिलेगा माना। लेकिन जिसको खुद से जो सुखी नहीं है, जो खुद में सुखी नहीं है, उसको किसी से सुख नहीं मिलेगा। जो खुद में सुखी है उसको पति पत्नी बच्चे घर परिवार संसार में जो भी सच्चे सुख हैं, अच्छे सुख हैं, तीन तरह के सुख है ना, एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक, उसे दो कैटेगरी बनाए तो एक अच्छे एक बुरे। अच्छे सुख आपको सारे मिलेंगे यदि आपका शरीर सुखी है तो। अब जो दुखी है उसको किसका सुख मिलेगा? खुद जो बीमार है, इसलिए सबको पतला होना है, कोई मोटा नहीं रहेगा। जो जितना मोटा वो उतना क्या बोला, जोर से बोलो। ये शरीर खोटा हो जाता है। आप तो अच्छे हो, आपकी आत्मा बहुत अच्छी है, शरीर तो खोटा हो गया। व्यक्ति की बात नहीं है यहां पर, एकदम पेट फ्लैट होना चाहिए। अभी तो पूज्य आचार्य जी ने भी करीब 15 किलो वेट कम कर लिया। तो कल कुछ लोग बोल रहे, आचार्य जी आप तो बहुत दुबले हो गए हो, आचार्य जी आप तो बहुत कमजोर हो गए हो, फिर तुम्हारी तरह एकदम ठाड़े ठाड़े ऐसे दिखे। ऐसे नहीं, इतना होना चाहिए पेट, इतना होना चाहिए। ऐसे पीछे अंगूठा रखो, पीछे की तरफ अंगूठा, पीछे से हिलना नहीं चाहिए, और फिर तुम्हारी अंगुलियों में तुम्हारा पेट आ जाना चाहिए। कर लो दुनिया मुट्ठी में। किसी किसी ने तो ट्राई नहीं किया। जो लोग कहते हैं ना, मेरी मुट्ठी में है पूरा बिजनेस, मेरी मुट्ठी में है मेरी पूरी फैमिली, मेरा देश है, दुनिया मेरी मुट्ठी में, तेरी मुट्ठी में तेरा पेट तो है नहीं, दुनिया मुट्ठी में करने चला है। थोड़ा मेरा हंसने का स्वभाव है, जितने मोटे भाई हैं नाराज मत होना, और नाराज हो भी जाओगे तो मेरे क्या बिगाड़ोगे? तो अपना बिगड़ रहा है तुम्हारा है? और कुछ तो मतलब मेरे ही पास रहते हैं भविष्य जी की तरह, वर्तमान में नहीं रहते मतलब। और फिर कहते स्वामी जी आज तो मैं बिल्कुल पतला हो गया हूं, फिर ऐसे खींच के खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर, और फिर थोड़ी देर तो मैं तो फिर ऐसे होना ही है, फिर पोल खुल जाती है। जिनको पतला होना है आज संकल्प कर लो। आचार्य जी ने अभी करीब एक महीने से अनाज बंद कर रखा है, तो आप लोग सभी अनाज बंद कर दो जितने मोटे मोटे हैं, कसम खा के जाओ आज। किसकी? स्वामी रामदेव की खाओगे, अपनी खाओगे? हाँ। कसम भी दूसरे की खाते, आपकी कसम है, आपकी कसम क्यों, अपनी खा। तो आज जितने भी मोटे मोटे हैं वो सब अपनी कसम खाएंगे कि आज के बाद रोटी चावल बंद, रोटी चावल बंद। तो क्या खाएंगे? फ्रूट्स खाएंगे, बहुत है, केला खा लो, पपीता खा लो, सेब खा लो, अंगूर खा लो, नाशपाती खा लो, नाश होने से बच जाएगा। कोई भी चीज खा लो फ्रूट्स में, उसको धो करके खा लो थोड़ा सा ठीक से, सलाद खा लो, और वेजिटेबल्स मिल ही जाती हैं, सब्जियां मिल जाती हैं, थोड़ी दाल खा लो उसमें प्रोटीन पूरा मिल जाता है, छाछ पी लो, पतंजलि की छाछ आती है ना, रखा कर, बहुत अच्छी है, अभी दूध भी बहुत अच्छा निकाल दिया, फ्लेवर्ड मिल्क भी बहुत अच्छा। फिर और क्या खा लो,
साग सब्जियां फल बहुत हो गए। दलिया तो अनाज आ गया ना, थोड़े दिन बंद कर दो ना, बतेरा खा लिया। 30-30, 40-40 साल हो गए, कई कई बोरी रगड़ मारी। आप कुल हिसाब लगाओगे तो कई कई क्विंटल मार रखा है अपने माल। 2-4 क्विंटल तो चीनी रगड़ मारी, 1-2 क्विंटल लाल मिर्च रगड़ मारी, 25-50 किलो हल्दी रगड़ मारी। चाय का तो खैर एडिक्शन होता है, चाय के अंदर और कॉफी के अंदर कैफीन होता है, तंबाकू आदि के अंदर निकोटीन होता है, जो अफीम आदि बहुत तेज नशा करते हैं उसमें मॉर्फिन होता है। इन सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होता है इंडोरफिन। क्या होता है बोलो? और उसके लिए कोई बाहर की चीज खाने पीने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम ध्यान करो, अंदर से इंडोरफिन पैदा हो जाएगा। और इसलिए जो योग करते हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने 24 घंटा ही नशा कर रखा हो, इतने खुश रहते हैं। ये भीतर का नशा है। तो भीतर वाले नशे में क्या गुण बताया मैंने? इंडोरफिन। क्या है बोलो? तो आपको कोई बाहर के फिन नहीं लेने, ये भीतर वाले इंडोरफिन लेना है, कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन, ये सब नहीं, इंडोरफिन। 5 मिनट ऐसे करना, और गर्म पानी पीना जब भी प्यास लगे। कोशिश करो एक छोटी बोतल रखो, आजकल छोटे थर्मस भी आ जाते हैं ना, गर्म पानी कर लो, 0.5 लीटर की या 250 ml की, जितनी आप बोतल रखो, कहीं पर भी पानी गर्म कर देते हैं। चाय वाले से बोलो पानी गर्म कर दो, 2 रुपए दे दो उसको भाई, वो चाय भी तो 2-5 रुपए की देता ही है, तो उसको खाली आपको पानी तो गर्म कराना है। कहीं पानी जितना दिन भर गर्म पानी पियो, वैसे अभी सर्दी भी है, पानी गर्म पीने से पूरा शरीर क्लीन हो जाता है। और सुबह सुबह पतंजलि का वो आंवला एलोवेरा जूस पी लिया करो, और जल्दी मोटापा कम करना है तो 25 से 50 ml गोमूत्र पी लिया करो, पूरा बॉडी क्लीन हो जाती है अंदर से, पूरा बॉडी। और गैस, कब्ज, एसिडिटी कुछ नहीं रहते। थोड़े बहुत दर्द है ना शरीर में, सारे हैं, कुछ कल भी बोल रहे थे स्वामी जी दर्द है शरीर में, दर्द है तो सुबह गोमूत्र पिया करो, तो पूरी बॉडी क्लीन कर देता है। ये जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, ESR बढ़ा हुआ होता है, ESO पॉजिटिव होता है, RA फैक्टर पॉजिटिव होता है, पूरी बॉडी क्लीन कर देता है। मैंने कई बार प्रयोग भी करके दिखाया ना, 2 गिलासों के अंदर पानी भर के, और इसके अंदर वो घाव पर लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, बीटाडीन, बीटाडीन की 2 चम्मच डाल दी, और पूरा ग्लास जो है वो पूरा लाल हो गया पानी उसका, 2 चम्मच उसमें गोमूत्र की डाल दी, पूरा क्लीन, विद इन ए मिनट पूरी क्लीन कर देता है। ऐसा ये शरीर हमारा साफ पानी की तरह है, इसमें कई तरह के केमिकल्स डाल करके बॉडी एसिडिक हो गई है तुम्हारी, वो सारी बॉडी क्लीन हो जाएगी गोमूत्र पी लिया करो। पतंजलि के कम से कम 10-15 प्रोडक्ट खुद यूज किया करो, अनुलोम विलोम करो। अब चल, राइट हैंड उठाया, लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, और 5 मिनट से पहले किसी का भी हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, खबरदार। आदत नहीं है जिनको, वो भी करो। तो 10-15 प्रोडक्ट कौन से यूज करने हैं पतंजलि के, सबके लिए जरूरी है। सुबह उठ करके गोमूत्र, मोटापा के लिए, यूरिक एसिड के लिए, लीवर किडनी के लिए, फैटी लीवर के लिए, टॉक्सिन्स बॉडी में जितने भी बढ़े हुए, स्किन प्रॉब्लम्स है उनके लिए ये जो है, और कैंसर जैसे रोगों को भी ठीक करता है। फिर जिनको ओबेसिटी नहीं है कोई बात नहीं, सामान्य है, 2-4 किलो वजन ज्यादा हो तो कम हो जाएगा, जैसे मैंने बताया, कर लेना, करो सब। वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लिया करो 1-2 चम्मच खाली पेट, मैं भी कभी कभी पी लेता हूं। गिलोय सब पिया करो, पतंजलि का गिलोय का जूस आता, वैसे गिलोय की गोली रखा करो आप, गिलोय घनवटी, क्योंकि सब जगह आप काढ़ा नहीं मिलता है आपको। मैं तो जहां रहता हूं, जब हरिद्वार में रहता हूं, संत कुटीर में, मेरे लिए रोज काढ़ा बनता है गिलोय का। जब बाहर शिविर करता हूं तो वहां भी गिलोय का काढ़ा मेरे लिए रोज बनता है, मैं गिलोय रोज पीता हूं। जब बाहर यात्रा में रहता हूं तब गिलोय की गोली खा लेता हूं, तो गिलोय की गोली की जरूर खाया करो। आंवला एलोवेरा जूस पिया करो, आंवला एलोवेरा जूस जो है दोनों मिला करके, और जो 1 cc में रख लिया करो, जब यात्रा में जाते हो तो 100 ml की cc रख लिया करो। जब दारू वाले जो है पूरी बोतल ठोक करके चल सकते हैं अपने बैग के अंदर, तो हाँ, ये दारू वाले पूरा इंतजाम करके रखते हैं, पता नहीं कहीं मिले ना मिले, अपने साथ ही लेके चलो, दारू, बियर, वाइन,
और उसमें भी अलग अलग तरह के ब्रांड, और कुछ तो इतने मतलब इतने एडिक्शन हो जाता है किसी किसी को, तो अनुलोम विलोम कर लो, अपने नीचे वाले स्टाफ से मंगा लेते हैं, ZM ASM से ASM SO से, भाई थोड़ा इंतजाम करके रखना। ये कार्यक्रम तो अपने पतंजलि में तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन क्योंकि जिसका पता लगता है, फिर पता लगा कि फिर वो गड़बड़ हो गया मामला है? और कहीं ना कहीं से तो सच्चाई छुप नहीं सकती कभी भी है? कुलड़ी में गुड़ कितना है फोड़ लो बाहर निकलेगा। अनुलोम विलोम करो, करो लगातार करो, सुबह सुबह लिया करो। जिनको बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम है वो कायकल्प पट्टी ले सकते, नीम की गोली ले सकते, नीम गिलोई तुलसी तीनों को मिला करके एक आरोग्य वटी अपनी बनी हुई उसको खा लिया करो दो गोली। फिर सबको दंतकांति तो अपने इसमें रखना ही है। हेयर केयर के लिए केशकांति जो भी शैंपू आपको अनुकूल पड़ता है वो केशकांति, दंतकांति जो भी आपको अनुकूल पड़ता है नेचुरल से लेकर के एडवांस से लेकर के एलोवेरा से लेकर के रेड पेस्ट से लेकर के और जो सेंसिटिविटी के लिए आपने मेडिकेटेड बना रखा है जो भी है अनुलोम विलोम करो। इच्छा नहीं है तो भी करना है, आदत नहीं है तो भी करना है, किया नहीं है तो भी करना है, करना है। एक ही सत्य जीवन का, करो कर्म, कर्म ही धर्म है, कर्म ही मर्म है जीवन का, कर्म ही भगवान है, कर्म ही धन है दौलत है, धन दौलत समृद्धि ऐश्वर्य कर्म ही सफलता है। तो मैं एक कर्म के ऊपर ही बात कर रहा हूं, कर्म ही योग है, कर्म योग, कर्म ही ज्ञान है, कर्म करेगा मेहनत करेगा तो पढ़ाई आ जाएगी, कर्म ही भक्ति है, भक्ति करने के लिए भी कर्म भक्ति भी एक कर्म है, कर्म भी एक कर्म है, खेती भी एक कर्म है, बिजनेस भी एक कर्म है, घर परिवार संसार में जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो सब कर्म है। कर्म करो, कर्म ही सफलता है, कर्म ही जीवन है, कर्म से ही सुख मिलता है शांति मिलती है, कर्म से दुख मिलता है शांति मिलती है, कर्म ही सुख है, कर्म ही शांति है, कर्म ही प्रसन्नता है। अच्छे कर्म करेंगे तो प्रसन्नता मिलेगी, कर्म ही भगवान है, कर्म करेंगे तो भगवान मिलेंगे ना, अपने भीतर ही भगवान है, नहीं तो फिर अपने भीतर से शैतान मिल जाएगा, अपने भीतर ही भगवान भी और शैतान भी हो, भीतर का शैतान जाग जाएगा कर्म नहीं करोगे तो। अकर्मादस्यी हो, करो कर्म, करो कर्म, करो योग कर्म अपने आप में सबसे श्रेष्ठ कर्म है, और जो योग कर्म करता है उसके सारे कर्म अच्छे हो जाते हैं, वो कोई बुरा कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती उसको, बुरा कर्म करने का विचार नहीं आता, बुरे कर्म करने की भावना ही उसके भीतर से संकल्प ही खत्म हो जाता है, बुरा कर्म वो कर ही नहीं सकता है जो योग करता है, इसलिए योग कर्म सबसे अच्छा है। सुबह सुबह योग करो, इसको तेजी से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ कंधों पर रखो गोल घुमाओ। देखो जब जो करना है ना योग के समय योग करना, पूरे तन्मय होकर पागलपन से करना, योग करो काम करो अपने प्रोफेशन में, एक पागलपन एक जुनून एक शौर्य एक पराक्रम तेजस्विता, ये शब्द हैं अलग अलग, जिसको जो समझ में आए उस शब्द के माध्यम से इस भाव को इस सत्य को समझ लेना। जो करें योग कर रहे हैं तो योग में पूरे खो करके करें, जब आप बाजार में उतरे हैं तो आप बिजनेस व्यापार जो आपका प्रोफेशन है अपना मिशन है उसमें पूरे खो गए, जब घर में है तो फिर घर के साथ एकात्म हो गए, पति पत्नी माता पिता बच्चे घर परिवार, जब घर में है तो घर में रहो, जब काम में है तो काम में रहो, जब योग कर रहे हैं तो योग में रहो। कुछ लोग क्या करते हैं, जब घर में होते हैं तब बिजनेस का टारगेट याद आता है, और जब बिजनेस कर रहे होते हैं तब पत्नी याद आती है, तब बच्चे याद आते हैं। अरे भाई जो जो कर रहे हो वहां अपना